हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। तो बस आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चल रहा था मेरा वॉइस ओवर। आगे जो है मेहमान आए हुए हैं, भाभी के बड़ी अम्मी वगैरह, तो वो लोग बैठी हुई हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे वीडियो एडिट करना था, तो वो मैं कर रही हूँ साथ में। तो चलो पहले वीडियो एडिट करते हैं, फिर उसके बाद करेंगे आप लोगों से। तो चलो पहले वीडियो एडिट करते हैं, फिर उसके बाद मिलेंगे आप लोगों से। गुरु को पोलियो की दवाई पिलाने लेके जा रहे हैं। कितने सारे लोग जा रहे हैं साथ में संभालने के लिए। है गुरु एक से नहीं संभलेगी ना, बस इसलिए एक हाथ पकड़ेगा एक पैर पकड़ेगा। वो देख के वैसे ही हाइपर हो जाती है वो देख के बहुत जल्दी। पूरा झोला पहन लो, चाय बंद खा लो, पूरा झोला पहन लो। लेटर रखिन दवा पिलवा तो ले वजन करवा दो। पिलवा तू पहले झोला पिला दे ना, पहले मैं बैठ रहा हूं। लो बेटा पहनो जरा, बैठो। सो गाइस, हम लोग लेकर के आ गए होरन को आंगनवाड़ी, क्योंकि हमारे जो रिलेटिव हैं वो भी आए हुए थे आंगनवाड़ी। तो उन्होंने बोला कि तुमने इसको दवा नहीं पिलाई क्या? तो मैंने बोला किस चीज़ की दवा? तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बोला कि पोलियो की दवा पिल रही है। तो मैंने बोला कि टीका तो उसको जो है लग चुका है, बट दवा भी साथ साथ में पिला ही देते हैं वो लोग तो हॉस्पिटल वाले, क्योंकि मैं इसको सारे जो भी इसके टीके लगे ना वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने लगवाए हैं, आंगनवाड़ी में मैंने नहीं लगवाए हैं। तो इसलिए मुझे इस चीज़ की नॉलेज भी नहीं कि कहाँ पे कब क्या होना है। लेकिन वो आंटी आई हुई थी ना, तो उन्होंने बताया, क्योंकि वो अपने पोतों को लेकर के गई थी, मतलब उनके बेटे के दो बच्चे हैं, ट्विंस हैं, तो उनको लेकर के गई हुई थी वो। तो फिर उन्होंने बताया था, फिर हम लोग भी गए वहाँ पर। तो वहाँ पर विटामिन सिरप पिलाई जा रही थी बच्चों को, और मतलब गर्मियाँ अभी स्टार्ट हो गए हैं तो बच्चों को दस्त वगैरह ये सब चीज़ लगी रहती है। तो उन्होंने ORS घोल वगैरह भी दिया हुआ था। तो बस यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल हम लोग आ गए। होरन इतनी ज़्यादा डर गई थी ना, पता नहीं, सोच रही थी कि क्या हो गया। अच्छा, जैसे मैं उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी लेकर के जाती हूँ ना, जब टीका लगना होता है इसको, तब भी ये ऐसे ही रोती है। वो देख करके सारी चीज़ें जो है डर जाती है, पता नहीं क्यों, अभी इतनी समझ नहीं है उसमें, इसलिए। तो बस यहाँ पे अभी जो है उसका हाइट चेक की जा रही है, क्योंकि आंगनवाड़ी में आप लोगों को पता है कि ऐसे ऐसे कोई ऑप्शन नहीं रहते हैं ऐसे लंबाई वगैरह चेक करने के लिए, इस टाइप से बच्चों को लेटाया जाता है। अब होरन जो है बड़ी हो गई है माशाल्लाह से, तो अभी वो लेटती भी नहीं है। अब उसके पैर हो गए हैं तो एकदम चलती फिरती रहती है, वो बिल्कुल भी बैठती नहीं है। तो इसलिए वो और ज़्यादा थोड़ा सा रो रही है कि पता नहीं क्या करवा रहे हैं मेरे साथ में। तो यहाँ पे उन्होंने जो है वेट चेक किया, साथ में उसकी हाइट चेक की, और बोले ना कि नहीं बच्चा तो एकदम स्वस्थ है। तो बस हम लोग को भी थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो माशाल्लाह से सब कुछ ठीक है। और बस उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पे सीरप दी है, तो उसने जो है विटामिन की सीरप पी ली, फिर उसके बाद ORS घोल दिया है। उन्होंने बोला है कि ऐसे इसको पिलाना, अगर नहीं हो तो फिर छोटी चम्मच पिला देना। मंगल से कुछ ताकत की दवा है, खून की कमी होती है बच्चों में। कब तक पिलानी है ये? कैसी फोटोग्राफी करवाई? पिलाती रहो, पिलाती रहो, पिला दो। फिर उसके बाद हम लोग जो है वहाँ से निकल आए। तो यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, बारात जा रही थी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सारक है, हिंदू के भी हैं, मुस्लिम के भी हैं। तो जो है ना
बहुत ही ज़्यादा मतलब मार्केट वगैरह में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। शॉल है तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ मैं। सो गए तो होरेन ने दवा पी ली है, अब जा रहे हैं घर। और ये शीशी भी दी उन्होंने सिरप, पूरी कड़वी लगी। ये सिरप दिए जो होरेन को पिलानी है 10 बूंद, इससे उरु ताकतवर हो जाएगा है ना उरु, ताकत आ जाएगी उरु के अंदर इस सिरप को पी के। ये अलग टाइप की पोलियो की दवा नहीं थी? पोलियो नहीं थी, कुछ और ही था। विटामिन की थी, विटामिन पिला रहे हैं अभी तो। अच्छा तो ड्रॉप वाली होती है 2 बूंद। हाँ वही था, मुझे तो कुछ और ही पिला रहे था पोलियो की दवा। ड्रॉप वाली होती है उसमें, और फिर बच्चों के लिए वो भी मार कर भी करते हैं। कुछ और ही पिला रहे हैं हमने पी पोलियो की दवाई। विटामिन विटामिन। सो गाइस अभी रेडी हो गए हैं प्लॉट पर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ईंटों का काम चल रहा है। तो साथ में जो है खाला को भी लेकर के जा रही हूँ, और जैकी भाई की तैयारी चल रही है भोपाल जाने की, तो वो अपने बैग वैग लगा रहे हैं। मैं और खाला जाएंगे साथ में, स्कूटी मैंने रखवा ली है क्योंकि मैं स्कूटी से जाऊँ, वरना वो तो स्कूटी लेकर के जा रहे थे तो अगर मैंने बोल दिया था कि स्कूटी छोड़ दो तो ही मैं आऊँगी, वरना नहीं। और लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, लाइट आज फिर से चले गई है और इन्वर्टर भी ख़त्म हो गया है, तो मतलब ऐसे ही चल रहा है, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। लेकिन हमारे प्लॉट साइड पर जहाँ पर हमारा घर बन वहाँ साइड तो लाइट है, तो ये बोल रहे थे कि मोबाइल लेना तो वहाँ पर चार्ज कर लेंगे। मेरा तो डिस्चार्ज ही पड़ा हुआ है पूरा मोबाइल, तो वहाँ पे मैं लेके जाऊँगी चार्जर और वो दोनों ही, तो चार्ज हो जाएंगे मेरे फ़ोन तो बस अभी रेडी हो गए, खाना वाना तो सब खा लिया है, अभी निकलते थोड़ी देर में। ये बोट लेकर जा रही हूँ मैं, क्योंकि ये छोड़ गए हैं। और बस खाला आ रही है, साहिबा भी आ रही है। चल चलो चलते हैं, लग गई मेरे तो। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं अपने प्लॉट पर, और माशाल्लाह से हमारे इस प्लॉट को मतलब ईंटों का काम स्टार्ट हुए, मतलब स्टार्टिंग से अभी तक जितना बनाया है तो 2 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। और माशाल्लाह से अब धीरे धीरे करके हमारा घर बन जाएगा, तब ईंटों का काम शुरू हो जाता है ना, तो फिर तो बिल्कुल टेंशन ही रहती है कि हाँ भाई जितना भी टाइम लगता है सारा जो फाउंडेशन होता है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी ईंटों के काम में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और फिर लास्ट में रह जाती है छत, तो वो भी जल्दी ही हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो है घर बहुत ही जल्दी से बन जाएगा, और इसको बनते बनते जो है 2 मंथ कम्प्लीट हो चुके हैं। और हम लोग बस इसी बारे में बातें कर रहे थे कि देखो 2 महीने हो गए लेकिन इतना काम अपना हो चुका है, तो बस यहाँ पर जो है काम चल रहा है। और खाला को भी मैं लेकर के आई हूँ, क्योंकि खाला आई नहीं थी, उन्होंने देखा भी नहीं था कि हमारा प्लॉट वगैरह कहाँ पर है, तो आज मैं उनको लेकर के आई हूँ। तो वो पूछ रही है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो वही मैं बता रही हूँ उनको। कमरे में इधर से नहीं, कमरे में। हाँ लगाना चाहे लगा ले, नहीं तो ऐसे ही साफ सफाई के लिए कुछ भी, क्योंकि उसकी भी वेंटिलेशन के लिए खिड़की चाहिए, इधर भी चाहिए, तो इसलिए ये कमरा, एक ये कमरा है वहाँ से वहाँ तक, एक ये कमरा है ये यहाँ तक, ये बड़ा है नहीं ये बड़ा है, इसकी चौड़ाई है, इसकी थोड़ी कम है, नहीं बराबर है वो तो। निकल गया, फलियां आ गई।
ये पॉप दे देना। पाँच ही है? पाँच तो कुरकुरे दे देना। कितने? और यहाँ पे जो है ज़्यादा कारीगर लगे हुए हैं ना काम करने के लिए, तो ईंटें भी जो है ज़्यादा ही मंगानी पड़ रही हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि एक दिन भी अगर काम रुकाना तो फिर वो जो है डिले होता चला जाएगा। तो इसलिए जो है ईंटें भी मंगवाई, तो ईंटें उतर रही हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ एक दुकान पर। तो अब जो है खाला पहली बार आई हैं, और हमारे नेबर्स जो जिंकू है वो भी आया है साथ में, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए कुछ ला देते हैं। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग रैपर्स वगैरह खाएंगे। और ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।